नमस्कार, मैं सौरभ आपका डिजिटल भूमि में स्वागत करता हूं। यूक्रेन में रूस के बीच चल रहे युद्ध में परिस्थितियां दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। और कुछ दिन पहले ही भारतीय दूतावास ने भारतीय स्टूडेंट को कीव शहर छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। इसी बीच गोहाना के गांव रूखी की पूजा MBBS करने के लिए यूक्रेन गई थी। पूजा युद्ध के चलते अभी यूक्रेन में ही फंसी हुई है, जिसके चलते परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो डिजिटल भूमि के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं यूक्रेन में फंसी पूजा के परिजनों व पड़ोसियों से, जो कि भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापिस ले आए। मेरी बेटी का नाम पूजा है और वो उसका 4th साल है MBBS का। हाँ जी, तो वो खारकीव में उधर MBBS करती है और अभी 4-5 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शुरू में अटैक खारकीव से हुआ था, उसके बाद खाने पीने की सब तरह की बड़ी समस्या है। हमने एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से हम टाइम काट रहे हैं और भारी बम्बों के साए में हमारी बेटी दे रही है। फिर भी हम उसको बार बार आश्वासन देते हैं, बेटा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक ना कोई सरकार की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली। सबसे बड़ी समस्या, बच्चे खाने के उससे भी मर सकते हैं। वहाँ लगभग 6,000 बच्चे हमारे इंडिया के खारकीव में, जो रूस के बॉर्डर के साथ लगता है, अगर रूस से निकाला जाए, ये रिक्वेस्ट है सरकार से, अगर रूस के रास्ते निकाला जाए तो हमारे बच्चे 1 घंटे में रशिया में जा सकते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, जब बात हो रही है तो कितनी बता वो बड़ी दिक्कत हो रही है। वो तो हम ही समझ सकते हैं, एक माँ बाप को आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम। और बेटी की तो थोड़ा और ज़्यादा, लड़के में थोड़ा फर्क है, और ज़्यादा चिंता सताई जा रही है सब तरह से। लेकिन कर क्या सकते हैं हम, भगवान से प्रार्थना के सवार सरकार से रिक्वेस्ट है, इसके सवार हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सब बार बार रिश्तेदार भी पता करने के लिए आते हैं, गाँव के भी बहुत से आदमी बार बार फ़ोन भी करते हैं, मिलने आते हैं, तो देखो शांत बना देते हैं। लेकिन भगवान के मर्जी है, कैसे होगा, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं हमारी बच्ची से कुशल बना जाए। तो बात होती है, वो करो, आप सरकार पर भरोसा ही नहीं। सरकार तो वहाँ बिल्कुल फेल है जी। सरकार एम्बेसी को फोन किया था, एम्बेसी बोलती है भाई हम कुछ नहीं कर सकते इस भारी बमबारी के बीच में, हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उनकी मजबूरी है, वो उधर वो बाहर निकल ही नहीं सकते, वो मदद क्या करेंगे, ये तो हम भी मारे एम्बेसी वाले क्या मदद करेंगे। लेकिन वो आश्वासन भी नहीं देते कोई अच्छा। जिस तरह से अभी कई फ्लाइटें आई है इंडिया में, तो आपको भी उम्मीद है? उम्मीद है, अब उम्मीद बनी है, जैसे 5-6 फ्लाइट आई है, कुछ बच्चे आए हैं। लेकिन हमारी बेटी तो उस डेंजरस जोन में है ना, वहाँ से तो निकलना संभव नहीं है ना। ये बच्चे दूसरी साइड में, जहाँ युद्ध नहीं चल रहा है, उस साइड से निकल के आए, सेफ जोन वाले कड्ढे भी खारकीव और कीव, इनमें ही ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया के हैं, और ज़्यादा स्टूडेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो वो हताश और निराश है। एक हमारे पास गाँव से मोई से है लड़की, सुमो शहर करके, उससे भी मेरी बात हुई थी, उनका भी बुरा हाल है, वहाँ भी बार बार बमबारी हो रही है, तो बहुत परेशानी है। तो लड़की वाले को तो बहुत परेशानी है। तो जिस तरह बात होती है कभी कभी, तो कैसा बताते हैं कि बात होती है, तो देखो बच्चे का देव, खाने को कुछ नहीं है, पीने को नहीं, हम कहते हैं नहीं बेटा विश्वास रखो सब हो जाएगा, आज लड़ाई बंद हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगा, टेलीविजन में आया है, बातचीत चल रही है, इस तरह हम शांत होना देते रहते हैं। तो आज छठा दिन है, जिस तरह से आज छठा दिन हो गया जी, तो अभी बंकर में नीचे बंकर में है और लड़ाई घमासान रूप लेती जा रही है, और बड़े बड़े बम रशियन मारने शुरू कर दिए। कितने बच्चे आपके पास है? मेरे पास 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा, मैं छोटी है? ये सबसे छोटी है, अनमैरिड है। तो उसका भाई? उसका भाई वो कंपनी में नौकरी करते हैं। कहाँ पे? मर्चेंट नेवी में है वो। आपका क्या नाम है जी? हरज्ञान मलिक है। हाँ जी, दिन रात नींद भी ना आती, न रोटी ना पानी, सरकार की उड़ता है, कोई मदद ना मिली थी। और बेटी की तो मेरी ये घेरा ना, सरकार खुद घरा पहुँचा होगी। किस उम्मीद के साथ अपने बेटे को भेजा था पढ़ाने? MBBS के उससे भेजा था, डॉक्टर बन जाएगी, घेरा ना बनाएगी, ना बनाएगी इस बात का कि तो चिंता सतारी आने की। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार तो यह उम्मीद है बेटी ना घर तो गजे तो भेज दे। बात होती है आपकी? थोड़ी बहुत हो गया है, उन्हें गणी ना होती, कटी जो कट कट का ना हो, पूरी ना होती। क्या नाम है जी आपका? मीना। के पड़ोसी हैं जी? पड़ोसी है। क्या नाम है? रामपुर नाम है।
और बार बार आते रहे हैं, घंटे में 2 घंटे में बात करते रहे हैं। ये समस्या में समस्या में तो जी दूसरा सारा है, जो बात कर दे रहा हूँ, लेकिन चिंता तो है बहुत बड़ी, बड़ी परेशानी हो रही है। इन तो है, हमने भी है, पड़ोस में भी ऐसा काम हो रहा है, तो पता नहीं किस तरह की होगा। तो काफ़ी दिक्कतें आती है, काफ़ी दिक्कत हो रही है जी। टाइम पर आना नहीं, खाना नहीं, सोना नहीं, सारी प्रॉब्लम कर रही है। ठीक, जब से लड़की यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है तब से हमें बड़ी समस्या हो रही है। बार बार भाई से पूछते हैं लड़की किस हालात में, कैसे है, खा पा रही है, कुछ पानी वानी की व्यवस्था है, रोटी की व्यवस्था है कि नहीं। तो बड़ी दिक्कतें चल रही कई दिन से, तो बार बार आते हैं पूछते हैं हालचाल। सरकारी तरफ से कोई, मेरे ख्याल से कोई खास मदद मिल नहीं रही। बच्चे बार बार फोन आते हैं, कई बार तो नेट नहीं होता, कई बार रेंज नहीं होती, तो बात होती है, बताती पापा बहुत परेशानी में हूँ, जैसे भी हो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे देखो क्या होता है। सरकार कोई खास इसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रखा। सरकार ना एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कुछ दिलासा चीज दी थी, वे करेंगे इसके बारे में कल बातचीत करेंगे, अब देखोगे क्या होता है।